आर्ट इज़ नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, इज़ ऑल्सो फॉर एजुकेशन. चाहे वो पिक्चरें हों, चाहे वो डांस हो, अगर आप एंटरटेन कर सकते हैं उसके साथ एडुकेट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात होती है. और यहाँ पर ना सिर्फ डांस कॉम्पिटिशन है, लेकिन एक बहुत दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों के लिए अवेयरनेस भी रेज़ की जा रही है, पैसे भी रेज़ किए जा रहे हैं. वो है ड्रग एडिक्शन और दूसरा है जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए एक क्या कहते हैं उनके वो भी इस कंपटीशन के साथ जुड़े हुए हैं. वी सॉ देम डांस अर्लियर व्हिच वाज रियली रियली स्वीट. सो आई थिंक इट्स वंडरफुल. आई थिंक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्ट टू एंटरटेन एंड एडुकेट. राइट. जैसा मैंने कहा, उन्होंने हमारे दिल जीत लिए थे बिकॉज दे वर सो एंथुजियास्टिक एंड इट्स ऑल्सो वंडरफुल टू सी द वर्क दैट दीज एन जी ओज आर डूइंग, यू नो, टू द अद्वैत, द वे दे टेक दीज चिल्ड्रेन, दे टेक पीपल दैट आर मेंटली चैलेंज्ड एंड हाउ दे गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू डू थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड हाउ शी वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट ये लोग जो हैं 5 दिन काम करते हैं और जब इनको छुट्टी मिलती है तो इनको बुरा लगता है बिकॉज दे आर हैविंग सो मच फन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. सो आई थिंक इट्स वंडरफुल. जी, मैं फ़िलहाल एक पिक्चर ख़त्म किया जिसका नाम है गोल्ड, जो अगस्त 15 को रिलीज़ होगी. और ये जो इंडिया की पहली हॉकी टीम थी जो ओलंपिक्स में गोल्ड जीती थी, उस पर आधारित है. सो इट्स अ ट्रू स्टोरी, इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. एंड वे ओ इट्स अमेजिंग. ही इज़ अ वंडरफुल को एक्टर टू हैव बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ ऑलवेज, इट्स अ लॉट ऑफ फन शूटिंग विद हिम. He's always entertaining you. He's full of, jaise kehte hain, masti. And there's never a dull moment when he's on the set. And secondly, I've always said that, you know, he's somebody that takes his work very seriously but doesn't take himself very seriously. So you never feel like you're working with a big star. Or you never feel like you're working with somebody who's so incredibly successful. You just feel like you're working with a co-actor, which I think is wonderful. जैसे अब घर में रहना, नहीं भाई मेरे बस का नहीं है, नहीं भाई मेरे बस का नहीं है. थैंक यू सो मच. वेल, दिस टाइम इंडिया डांस वीक सीजन 5 डांस फॉर अ कॉज, वी आर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट 2 डिफरेंट कॉजेज. One is about acid, one is about drug abuse, and the other one is about education and just basically being caring towards people with autism and mentally challenged people. And I think I would say that this is one platform where we bring all dance forms together and they all speak one language, which is about raising awareness. I think that's the specialty about Indian Dance Week, Dance for a Cause, and I'm glad to be part of it. It's wonderful. I mean, you saw their performance. It was amazing. I think they stole all our hearts. And that is one performance I'm really looking forward to. And it is very, very commendable for Aditya, who is kind of helping these mentally challenged individuals and giving them a better life, a better future, and very independent. I think I'm proud to be a part of it. I think most important part is as a dancer, aapka dil hona chahiye. And we sometimes, so-called normal people, we have a lot of reservations. Because mote hain, hum patle hain, hum budde hain, hum jawan hain. Hum sochte rehte hain, sab aur dance nahi kar paate kabhi-kabhi. And think, Advaita jo students aate hain, they all are dancers from the heart. Jo to dil se naachta hai, wohi dancer mana jata hai. Well, 28th April and 29th of April, India Dance Week, Dance for a Cause Season 5. और 28th के दिन जो है हमारे पहले दिन हम लोग ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात करेंगे एंड यू विल सी ऑल डिफरेंट स्टाइल्स डांस फॉर्म्स कम टुगेदर ऑन वन सिंगल प्लेटफॉर्म. और सेकंड डे हमारा कंपटीशन है, हमारे 12 डिफरेंट जगह से हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं डांस करने के लिए, तो आप आइएगा, देखते हैं जरूर उनको. एंड इट इज़ अबाउट सेकेंड डे इज़ अबाउट अद्वितीय. नो नो, आई एम द वॉइस एज संदीप इज एंड आई थैंक हिम फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ इट एवरी ईयर. सो या
See, a lot of people have a lot of takes on this, but I strongly feel that the people responsible should be accountable in an immediate manner. And I totally support the people who are doing these marches and are doing a lot to basically be the voice for this child. And Sandip and you were actually talking about it, and we are planning something on regards to that. Well, I feel we as men, we need to be very careful. We need to understand ourselves. और आदमी हम लोग हैं, अगर औरत को हम लोग इससे ट्रीट करते हैं, which is not nice. जो औरत होती है, माना जाता है कि आदमी के रिब से निकली थी, मतलब दिल के पास रहती थी, पैरों की जूती नहीं है. सो औरत को एक दिल के करीब रिश्ता मान के अगर हम चलते हैं तो ये केसेस कभी नहीं होंगे. सो एज मैन आई थिंक वी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट गेट इनटू सच हॉरेंडस एक्शन वी डू. सो वी शुड बी मोर अवेयर. वेल, बिग बॉस इज अ फन शो. जो भी आएगा आई थिंक मजे करेगा. आई नो, आई थिंक मैंने कहा जो भी आता है बिग बॉस में बस धमाल करता है. सो आई थिंक एवरीबडी विल कम विल बी सम यूनिक वंडर ऑफ द वर्ल्ड. सो आई होप इट्स अ सक्सेस एंड आई होप यू विल लव इट. आई थिंक एनीबडी हु इज ऑन द शो बिकम्स अ सेलिब्रिटी बाय इटसेल्फ. And they become into controversy, and I think that is what. Maybe कोई ऐसा couple जो बहुत झड़े करता हो, लड़ाई झड़े करे, बहुत बर्तन पे एक दूसरे की तरफ, ऐसे कोई couple आएंगे तो मज़ा आएगा देखने में टीवी शो. आर वाई में ऐसे होंगे बैठे हुए तो मज़ा नहीं आता है कुछ. लड़ाई झगड़ा हो, दूसरे से गालियाँ निकले तो मज़ा आता है बिग बॉस पे, isn't it? आप तो हमारे घाव पे हाथ रख रहे हैं मीडिया बन करके. बट यस, मेरे शो पे क्लासिकल डांसर एक आई थी, बहुत वेल नोन. उन्होंने कहा कि वेस्टर्न डांस जो है वो बहुत अश्लील है. और मेरा ये मानना है कि डांस फॉर्म कोई भी हो, उसके हर डांस फॉर्म में गरिमा होती है, उसका कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है. और अगर हम उस ट्रेडिशन को नहीं वैल्यू करते एज ह्यूमन बींग्स और हम उसको बांट देते हैं एज डांस फॉर्म्स, तो हमारे अंदर कमी है एंड नॉट एज एज डांस फॉर्म. सो जो भी डांस फॉर्म हो, चाहे वेस्टर्न हो या इंडियन हो या कोई भी कंट्री का हो, उसको रिस्पेक्ट करना सीखिए, उसकी ब्यूटी देखना सीखिए. बिकॉज डांस जो है वो ब्यूटीफुली होता है. उनका नाम है दर्शना जवेरी जी, जो मणिपुरी की बहुत फेमस डांसर है. आई लव हर बिकॉज आई थिंक उनका डांस फॉर्म जो है बहुत खूबसूरत है. पद्मश्री अवार्ड जीत चुकी हैं, पर उनका डांस आप देखेंगे तो आप मदहोश हो जाएंगे. बिकॉज शी इज़ फैबुलस एंड आई लव हर फॉर डांस फॉर्म, बट आई डिड नॉट लाइक व्हाट शी सेड.